करण जैसी डिग्निटी, अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करने वाला लड़का मुझे बहुत पसंद है, और वही है करने वाला लड़का मुझे ज्यादा पसंद नहीं है राधिका। करण सुन रहा है, मैं उसकी ज्यादा तारीफ करूंगी और राधिका जॉय की तारीफ करेगी, वो करण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या है ना त्रिशा, जो इंसान सबको हंसा सकता है ये उसका कितना बड़ा गुण है ये शायद तुम नहीं जानती हो। गुस्सा और एटीट्यूड दिखाने से कोई महान नहीं बन जाता है। जिसे हंसना नहीं आता वो किसी को हंसा भी नहीं सकता। जॉय सीरियस चेहरा लेकर रह ही नहीं सकता, वो एटीट्यूड नहीं दिखाता, उसका चेहरा सीरियस नहीं रहता, बददिमाग नहीं है, गुस्सेल नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैंने आपकी बुराई नहीं कर रही थी, आई मीन जॉय के बारे में बात कर रही थी, आपके बारे में कुछ नहीं कह रही थी। इट्स ओके, मैंने माइंड नहीं किया, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की तारीफ कर रही थी है ना, और क्या है ना जॉय ऐसा ही है। बाय द वे तुम सब काम छोड़कर बातें क्यों कर रहे हो? गेट बैक टू वर्क। राधिका के ऊपर गुस्सा है कि नहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सर मैं आई कम इन? आ जाओ। सर इन डिजाइन्स को लेकर मैंने कुछ चेंजेस सोचे हैं, आप एक बार देख लेंगे? दिखाओ। हाँ फिर मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये डिजाइन्स। सर मैं सोच रही थी कि इस साल के समर कलेक्शंस के लिए अगर हम सिर्फ स्लीवलेस डिजाइन्स पर काम नहीं करके हम लोग कुछ नया आई मीन एक्सपेरिमेंट करें तो। कल जॉय के साथ क्या क्या किया? आई मीन कहाँ गई थी? नॉर्मली जस्ट मॉल में गई थी, छोटी मोटी कुछ शॉपिंग करनी थी। हाँ जो मैं कह रही मॉल थी में क्या क्या शॉपिंग किया? शॉपिंग की मतलब वो घर के कुछ सामान लेने थे, बस इतना ही, और तो वैसा कुछ नहीं। सर मैं कह रही हूँ कि आप जरा ये डिजाइन अप्रूव कर दीजिए ना, जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तो काम नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ शॉपिंग और कुछ नहीं? मूवी, डिनर? नहीं सर, सिर्फ शॉपिंग। क्यों, जॉय ने मूवी या डिनर के लिए ऑफर नहीं किया? सर एक काम कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ना आप एक ही बार में पूछ लीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के बाद ही फिर से काम शुरू करूंगी, ठीक है? नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं नहीं आप बोलिए ना, आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, आपने ही कहा था ना काम के बीच और कोई बात नहीं होनी चाहिए, अब आप ही मेरे पर्सनल मैटर के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं नहीं बोलिए ना, अभी पूछिए। राधिका एनीवे कल पहले हम लोग मॉल में गए, वहाँ छोटी मोटी शॉपिंग की, और उसके बाद क्या किया था, हाँ स्नैक्स खाए थे, उसके बाद जॉय गेमिंग जोन में चला गया, इनफैक्ट वो मुझे मूवी देखने के लिए कह रहा था लेकिन घर लौटने में लेट हो जाता इसलिए मूवी नहीं देखी। और कुछ? मैंने तुमसे इतना सब पूछा क्या, इतनी रूड क्यों हो रही हो? anyway. मुझे और कुछ नहीं जानना है। कहाँ रूड हुई हूँ सर, आप बार बार सवाल कर रहे थे इसलिए एक ही बार में सारा जवाब दे दिया। अब हम लोग जरा काम कर आज का क्या प्लान है, मतलब आज कहाँ जाओगे?
सर वो तो मुझे पता नहीं है, मैं जॉय को एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं फोन मत करो, कट द कॉल। मैं फोन करती हूँ, रुकिए ना। इसकी जरूरत नहीं राधिका, कट द कॉल। रुकिए ना सर, आज कहाँ जाऊंगी आपको जानने की इच्छा है ना, जरा रुकिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। कह रहा हूँ कट द कॉल। कनेक्ट हो गया है। हेलो जॉय, मैं एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ओके या मीटिंग में है, थोड़ी देर बाद फोन करेगा। फिर अब डिजाइन एक्सप्लेन करो। तुम्हारे सजेशंस अच्छे हैं, लेकिन जो चेंजेस करने हैं वो ऐड कर देना। ओके ओके सर, फिर मैं बाहर जाकर चेंजेस करके आती हूँ। नहीं, यहीं बैठ के करो, फिर मैं एक ही बार में चेक भी कर लूंगा। सिट। ओके सफेद किया ना छल ना कपट ना भेद किया, सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस तुमने पुकारा और हम चले आए। यस। तू यहाँ? और क्या, तुम लोग फोन पे बात करना चाहते थे इसलिए चलाया। एक्चुअली अगर कोई मुझे याद करता तो मैं डायरेक्टली हाजिर हो जाता हूँ। या परफेक्ट। सुना, ऑफिस के बाद मिलते, थोड़ा वेट कर ले। नहीं नहीं, तेरे साथ थोड़ी बातचीत करके राधिका को लेकर निकलूंगा। राधिका तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? कहाँ जाएगा? मूवी डेट। या मूवी? या मूवी। और ये कब फिक्स हुआ जॉय? सरप्राइज, इसे कहते हैं सरप्राइज। एक्चुअली मैंने टिकट बुक कर लिया तो हमें जाना पड़ेगा। करण करण, हमें ज्वाइन करो ना, इट विल बी फन, मजा आएगा। नहीं मुझे कुछ काम है। अरे क्या मतलब? जाने दो जॉय, किसको मूवी देखने के लिए पूछ रहे हो? अच्छा बाय द वे, सीरियस चेहरों को लेकर कोई नई मूवी आई है क्या? नहीं मतलब मुझे तो पता नहीं है, तुम्हें पता है? सीरियस चेहरे, दैट्स अ नाइस नेम, वेरी फनी। हे करण करण करण, प्लीज प्लीज चलना। अरे पहले हम लोग कितनी पार्टी करते थे, हैंग आउट करते थे, क्या हुआ तुझे? चल। इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? करण सेन हैंगआउट और पार्टी। हाँ वो क्या कहते हैं, हाँ ये तो सांप और नेवले की बात हो गई ना। अरे तुम करण को कितना जानती हो, कितना जानती हो? तुम्हारे करण को मैं जानता हूँ, he's a gem of a person। नहीं आज इवनिंग को मीटिंग है मेरी, तुम लोग जाओ। अरे अच्छा राधिका, तुम्हें और कितनी देर लगी? हाँ लगभग हो चुका वाला है, तो तुम्हारे डेस्क पे चलते हैं। चलो चलो। सर ये डिजाइन्स मैं, सर मैं क्या कह रही थी कि ये डिजाइन्स राधिका। हाँ लेट्स गो। हाँ हाँ चलो। या
अलाउ मी, अलाउ मी प्लीज। सो ये तुम्हारी डेस्क है? नाइस। ये क्या है? ये कौन सी डिजाइन? ये डिजाइन्स है समर कलेक्शन की। रबेश। जोकी। अरे अरे पायल। हाँ पूजा। स्वराली। राइट। कल हम कैफेटेरिया में मिले थे? नो सर, ऑफिस में ही मिले थे। ऑफिस में मिले थे? श्योर श्योर। जस्ट अ सेकंड सर। ओके। ऑफिस में। So, अभी क्या चल रहा है? समर कलेक्शन। अरे करण, मैं कह रहा था मूवी देखने मैं भी चलता हूं। अरे ग्रेट, वाह, नाइस। मैं एक और टिकट बुक कर लेता हूं। यस श्योर। टिकट अवेलेबल नहीं है, हाउसफुल जा रहा है। टिकट नहीं है? नहीं, हाउसफुल। अब क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, मूवी प्लान कैंसिल करते हैं, हम लोग तीनों डिनर पे चलते हैं। व्हाट से? नहीं इट्स ओके, तुम लोग जाओ। श्योर। या ब्रो। ओके कूल, मैं जरा आता हूँ। वॉशरूम किस तरफ है? वॉशरूम स्ट्रेट लेफ्ट। स्ट्रेट लेफ्ट, ओके। हाँ नाइस ऑफिस। अगर आप पहले ही बता देते कि हम मूवी देखने जाएंगे तब टिकट का इंतजाम हो जाता। लिसन, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ओके? मैंने जाने की परमिशन दी है इसलिए तुम जा पा रही हो। मतलब? सर, मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद निकल रही हूँ, और ऑफिस आवर्स के बाद अगर मुझे अपने पर्सनल काम के लिए भी निकलना है तो उसके लिए मुझे आपकी परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? मिस राधिका मित्रा, जॉय मेरा भी दोस्त है। ज्यादा बातें मत करो, अगर उसे प्लान कैंसिल करने कहूँ तो वो कैंसिल कर देगा। कभी नहीं। अच्छा? हाँ, मतलब जॉय मेरा भी दोस्त है। चैलेंज? Accepted. Just wait and watch. Joy तुम्हारे साथ नहीं आएगा। I will make sure. तू तू तारा, राधिका, let's go. Late हो रहा है। हाँ, चलो। चलो। करण, bye bro. I'll see you. See you, yeah, bye.
जॉय क्या हुआ जॉय? तू यहां आने के बाद मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा? राधिका मिल गई तो मुझे भूल गया? अरे कम ऑन करण, व्हाट रबिश। तक सर जॉय को क्या कह के रोकने की कोशिश कर रहे हैं? जॉय चलो ना, चलते हैं, लेट हो रहा है हम लोगों को, और एक्चुअली मूवी स्टार्ट हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगता। क्यों इतनी जल्दी क्यों है? पहले तो ट्रेलर दिखाएंगे। मैं नई मूवी की ट्रेलर भी देखूंगी। तुम्हें ऑनलाइन सारे ट्रेलर्स मिल जाएंगे, देख लेना। चलो हम जाकर मूवी देख लेंगे। हम लोग जा सकते हैं, बट राधिका देख, राधिका हमेशा साथ में रहती है, एनी टाइम प्लान कर सकता है। आज मेरे साथ चल। नहीं नहीं, मेरी हाँ फेवरेट मूवी की टिकट बुकिंग हुई है, मैं मिस नहीं कर सकती। इतनी फेवरेट है तो खुद चली जाओ। नहीं अरे मैं क्यों अकेली जाऊंगी? मेरी और जॉय की टिकट तो बुक हो गई है, आपको अगर मूवी देखना है तो आप अकेली जाइए। लिसन राधिका, जॉय मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ओके? मैं उसके साथ कभी भी प्लान कर सकता हूँ। जॉय मेरा भी फ्रेंड है, इनफैक्ट मैंने और जॉय ने पहले ही प्लान किया था। मैं समझ रहा हूँ तुम दोनों को ही मूवी देखनी है, एक काम करो तुम दोनों ही चले जाओ। नो, जॉय, जॉय तुम एक काम करो, तुम इनको ही अपने साथ लेकर जाओ। वैसे भी ऐसे सीरियस शहरी के साथ कौन मूवी देखने जाएगा? फिर से बड़बड़ कर रही हो। सही किया है सर, ऑफिस आवर्स खत्म हो गए हैं, मेरी मर्जी है, मैं बड़बड़ करूंगी। इनफैक्ट आप मुझे एक घंटा रोक के भी नहीं रख सकते हैं। गैस, कूल। तुम लोग क्या हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हो? मैं नहीं कर रही जॉय, ये कर रहे हैं। मैं नहीं, तुम। जॉय तू इसे ले जा। अरे अरे गाइस, अरे अरे क्या हो क्या रहा है? अरे जाना है या नहीं जाना ये पहले डिसाइड कर लो। उफ, तू मैं तू तब से लगे हुए हो। ओ अरे गाइस, मुझे लगता है तुम लोगों के साथ मैं नहीं जा पाऊंगा आज। क्यों? नहीं मतलब एक जरूरी काम निकल आया है। I would suggest कि तुम लोग ही चले जाओ और booking details मैं forward कर देता हूँ, so please you guys carry on। नहीं मतलब Joy, तुम नहीं चलोगे तो कैसे चलेगा? तुम क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं नहीं, कहा ना एक जरूरी काम आ गया है, so I have to leave, please guys। अच्छा चलो, you guys enjoy। करण, see you। Bye। देख लिया आपने, आपके दोस्त ने मेरी बात सुनी, सो यू लूज। नॉट मी, यू लूज, तुम चैलेंज हारी हो। बिल्कुल नहीं, आपका दोस्त आपके साथ नहीं जाएगा, इसलिए उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है जॉय कितने सालों से मेरा दोस्त है? क्योंकि तुमने लड़ाई की इसलिए वो चला गया। मैं तो, आपका फोन रिंग हो रहा है। मेरा नहीं, तुम्हारा, बैग के अंदर। स्टूपिड। हाँ जॉय बोलो। राधिका टिकट वेस्ट मत करना, तुम दोनों चले जाओ एंड एंजॉय द मूवी, ओके? बट जॉय, राधिका ठीक ठाक घर तो पहुंच गई ना? कॉल करके देखूं? नहीं, अभी तो हमेशा घर में जॉय के साथ बिजी रहती है, कॉल उठाएगी कि नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा।
मुझे नहीं लगता आज हम में से कोई भी जीत पाएगा। राधिका के हाथ से कितने छह गिरते हैं। अरे पापा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और क्या है ना, ये और क्या है ना, मैं ना राधिका जैसी खूबसूरत लड़की से बार बार हार सकता हूँ। बस और एक डायलॉग है ना। हाँ अच्छा जॉय, तुमने ये डायलॉग तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड को कहा है ना? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, एक्सक्लूसिव। क्या है ना, मैं जानबूझ के हार रहा हूँ। तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत लड़की को हराना नहीं चाहता मैं। इट विल ब्रेक योर हार्ट। अच्छा, इट विल ब्रेक माय हार्ट। ब्रेक माय हार्ट, ब्रेक माय हार्ट। अरे खेलना पहले। अच्छा ठीक है, अब मस्ती मजाक बंद करते हैं। अभी अभी किसका टर्न है? किसका टर्न? ओ मेरा टर्न, ले लो। एक कैसे हो रहा है? नहीं मैं नहीं खेलूंगा। ये कैसे हो रहा है? बार बार एक ही आ रहा है मेरा। अच्छा हुआ, दे दे ये लो सोनाली। हेलो क्या बात है? हाँ ऑफिस आज तो खत्म, इसके बाद भी तू अपने एम्प्लॉयज को डिस्टर्ब कर रहा है? इसीलिए तो ये सब लोग गुस्सैल बददिमाग बॉस कहते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है। हाँ सुन ना, राधिका से कुछ काम था, जरा फोन दे तो। नहीं नहीं, मुझे तो तू इतनी रात गए फोन नहीं करता है। फिर राधिका के साथ ऐसा क्या काम हो सकता है? हाँ ए राधिका, हाँ। वो तुम्हारा फोन लेकर वहाँ गया है, पता नहीं वो क्या बोल देगा। तुम जाओ जाओ जाओ, जाके अपना फोन ले लो। कोई स्पेशल मैसेज? बोल। कम ऑन जॉय, अरे इंपॉर्टेंट बात करनी थी, मीटिंग की डिस्कशन। नहीं, सुन, अभी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा। जो बोलना है कल बोलना, मैं और राधिका तो कल तेरे घर आ ही रहे ना। हाँ ठीक है, चल टाइम पर आ जाना। लेकिन किसका फोन है? और सुन, कल तूने अपने गर्लफ्रेंड्स को टाइम तो नहीं दिया? जेलस, यू आर जेलस, तुझे जलन हो रही ना? नहीं, तेरे गर्लफ्रेंड्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके टाइम पर आ जाना, बाय। श्योर, सी यू। ओके। किसने फोन किया था? तुम्हारे बॉस तुमसे गुस्सा हो। सर ने फोन किया था तुमसे गुस्सा हो? नहीं ये तो वो नहीं, वो तो गुस्से में रहते हैं, लेकिन मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हुए? देखो क्यों गुस्सा है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। नहीं मतलब तुम और। हाँ जॉय आना इधर। आ रहा हूँ। फिर से करण सर का गुस्सा कम करना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे लड़का है कौन, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं करण का बेस्ट फ्रेंड हूँ, जॉय। नाम तो सुना होगा ना? हाँ वो तो सुना ही है। हे शिफ्ट। अरे क्या? आंटी मैं ना एक बात कहे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। क्या मतलब? आप जैसी खूबसूरत लेडी मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं। मीन यू आर रियली ब्यूटीफुल। आप ना करण की माँ है ये मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये क्या कह रहे हो तुम? सुंदर तो राधिका है। ये आपने सही कहा, आई मीन राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। लेकिन आंटी एक प्रॉब्लम है,
ये ना मुझे फ्रेंड जोन से निकलने ही नहीं दे रही है। मतलब मैं तो ऑलरेडी एक कदम बढ़ा चुका हूँ, एक मौका मिलने से मैं हाँ कर दूंगा, लेकिन वो मौका मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ मारती रहती है। हमेशा सिर्फ बकवास करते रहते हो मैम। सॉरी सॉरी आंटी, प्लीज आप कुछ माइंड मत कीजिएगा, ये हमेशा ऐसे ही बातें करता है। एक्चुअली इसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं इसे खुद ही पता नहीं। राधिका डोंट एम्बैरेस मी, लेकिन यहाँ एक और इंसान है जिसने काफी लड़कों का दिल तोड़ा है। यहाँ यही है। कौन वो? देखो वो, ये रही वो। इनकी शादी होने के बाद कितने लड़के देवदास बन गए, इन्हें खुद ही नहीं पता। आपने देखा बड़ी माँ, कुछ भी बोल रहा है। क्या सर अभी भी गुस्से में है? चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट नहीं है। दोस्त आया है फिर भी ऐसे मुंह लटका के खड़े हैं। क्या आप मुझ पर गुस्सा है? माँ बोलो। मैं कह रहा था कि इनके लिए जरा चाय या कॉफी का इंतजाम करें। अरे बाबा, इन्होंने तो मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैं लाती हूँ, तुम लोग बैठो, मैं लाती हूँ। आंटी प्लीज ये सब फॉर्मेलिटी मत कीजिए प्लीज। बेटा घर आया है और माँ काम करेगी, ये कभी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं सबके लिए चाय बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। जॉय तू बैठ, कोई एक्सपेरिमेंट मत कर प्लीज। ओ तू क्या मुझ पे डाउट कर रहा है, मैं चाय नहीं बना पाऊंगा? सुन करना, ये दुनिया बदल जाएगी लेकिन ये जॉय नहीं बदलेगा, समझा तू? दिमाग के घुसाप ने देख देख देख, अगर मैंने पकौड़े और चाय बनाए ना, और आंटी और भाभी ने अगर मेरी तारीफ नहीं की तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, लिख के रख लो। अच्छा बाय द वे आंटी, अंकल कहाँ है? ऊपर कमरे में है, आ रहे हैं। लेकिन आंटी इसके बारे में एक बात बिना कहे बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। ओ अच्छा। बहुत अच्छी चाय भी बनाता है, अगर कोई इसके हाथ की चाय एक बार पी ले तो आसानी से भूल नहीं पाएगा। अगर सच कहूँ तो ये बाकी दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है, ये बहुत फ्रेंडली है, ये वो सब एटीट्यूड वगैरह बिल्कुल नहीं है इसमें। वो तो देख ही रही। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, मतलब मुझे तो डबल एंथू मिल गया है। लेकिन आंटी आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आइए एक सीक्रेट बता रहा हूँ। वो क्या है ना, लेटेस्ट सर्वे क्या कह रहा है आपको पता है? मतलब आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों को ढूंढ रही हैं जो घर के काम कर सकता है, खाना वाना बना सकता है। मैं भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर के लिए। तुम तो बड़ी मजेदार बातें करते हो, पर तुम पहली बार हमारे घर आए हो और तुम चाय बनाओगे ऐसे कैसे? नहीं, मैं अभी आई। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता, मैं आपका अपना हूँ ना। मैं करण का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। बिल्कुल है। तो आपके किचन पे मेरा भी थोड़ा सा अधिकार। हाँ जरूर है, है ना? तो फिर मैं चाय बना सकता हूँ। अच्छा बाबा मैं हार गई, आज तुम्हारे हाथ की बनी चाय पियेंगे। थैंक यू, दैट्स लाइक माय स्वीट ब्यूटीफुल आंटी, थैंक यू। अच्छा भाभी, मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटी सी हेल्प चाहिए, मतलब किचन में कहाँ चाय पत्ती और चीनी। श्योर। शुगर फ्री है ना? हाँ है। थैंक यू। करण तुम्हारा ये दोस्त तो बिल्कुल अलग है, देखो ना इतने कम समय में कैसे माहौल बदल दिया। मैंने आपसे कहा था ना आंटी, ये बिल्कुल अलग है, बाकी लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात, ये घर के लोगों को बहुत जल्दी अपना लेता है, इसके अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। माँ मैं अपना फोन कमरे में भूल आया, आता हूँ। अच्छा ठीक है। राधिका। हाँ मैम। सुनो तुम्हारी मोनी कैसी है? मोनी मोनी ठीक है आंटी। अच्छा उनके दिल में हमारे लिए कोई गिला शिकवा तो नहीं है ना? कोई गिला शिकवा नहीं है। चलो ना बातें करते हैं। हाँ। ओहो फोन बज रहा है, तुम बैठो मैं फोन अटेंड करके आती हूँ, बैठो।
नहीं नहीं, मुझे सर से बात करनी ही पड़ेगी। वो फिर से मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या हो जाता है उनको। फोन कहाँ है? ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मच्छर मार रही हूँ। What? नहीं मतलब आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? I don't know. मैं यहाँ आपका गुस्सा कम करने के लिए आई हूँ। देखिए सर, दिन ब दिन आपके टैंट्रम्स ना बढ़ते जा रहे हैं और मेरे लिए ये सब हैंडल करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा है। Really? टैंट्रम? ड्रामा क्वीन का ड्रामा क्या कम था? लिसन राधिका, तुम्हारा जो ये नया ड्रामा है मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। ओके? यही है इसी गुस्से की बात मैं आपसे कर रही थी। देखिए आप एक बार अपना चेहरा देखिए। पता है मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे आप और जॉय इतने इतने अच्छे दोस्त बन गए बताइए तो। आप लोग दोनों बिल्कुल अलग इंसान है। उसका चेहरा देखा है, वो हमेशा हंसता रहता है, और आप अपना चेहरा देखा है आपने। एक्चुअली क्या है पता है, अगर जॉय नॉर्थ पोल है तो आप साउथ पोल है। आप राधिका, आपने अपना चेहरा नहीं देखा है ना। चलिए मैं आपको आपका चेहरा दिखाती हूँ। आइए आइए राधिका। अरे आइए क्या कर रही हो तुम? राधिका सर आप आइए ना, खुद का चेहरा देखिए। ये देखिए सर, ये देखिए सर, अपना चेहरा गौर से देखिए। पता है मुझे क्या लगता है, नीम के पत्ते को और करेले को, इन दोनों को पीस के शायद किसी ने आपको खिला दिया होगा। इनफैक्ट मुझे और एक बात लगती है पता है, जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं वैम्पायर की तरह आपके सर पर दो सींग निकल आते हैं, दो दांत भी निकल आते हैं, और फिर खून चूसने के लिए आप अपने शिकार की तरफ भागते हैं। सींग, दांत, वैम्पायर? व्हाट? तुम मुझे वैम्पायर कह रही हो? हाउ डेयर यू सर। सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, और मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ ये आपको पता ही है। देखिए आप एम्पायर हैं। राधिका, दिस इज टू मच, ओके? गेट आउट। नहीं जाऊंगी, जब तक आप खुद को वैम्पायर नहीं मान लेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इसका मतलब क्या है, तुम जबरदस्ती मुझे वैम्पायर बनाओगी? अरे सर जबरदस्ती नहीं, आपके अंदर ना वो सारी क्वालिटीज भरी हुई है। अरे सर है। एग्जैक्टली, ये देखिए सर आपकी आंखें लाल हो रही है, अभी सर के ऊपर दो सींग निकल आएंगे, ये देखिए। राधिका स्टॉप इट। दांत बाहर निकल आएंगे। राधिका स्टॉप इट। देखिए सर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे वैम्पायर खून चूसने के लिए। जॉय ने पकोड़े बनाए हैं, जल्दी आओ। करण, राधिका मारिए, उठ जा। नहीं उठूंगी, पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? करण, राधिका माँ कुछ गलत सोचेंगी, उठो प्लीज। कुछ नहीं सोचेंगी, और इसके अलावा आंटी आने से मैं कह दूंगी कि आपने मुझे जबरदस्ती गिराया है, मैं अपनी मर्जी से आपके ऊपर नहीं गिरी। आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपका एटीट्यूड वैम्पायर जैसा है, और आपको ये एडमिट करना पड़ेगा। वादा कीजिए। ठीक है, मैं हार गया हूँ, तुम जीत गई। उठो प्लीज, प्लीज। नहीं उठूंगी, यहाँ हार जीत की बात नहीं है। आपको ये भी वादा करना होगा कि आप बात बात पे लोगों पर गुस्सा नहीं दिखाएंगे। वादा कीजिए। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, उठो प्लीज। Now that's like a good boy. करण, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ? सुनिए सर, इस बार के लिए आप आंटी के हाथों से बच गए हैं, ठीक है? करण। हाँ माँ, आता हूँ। उफ बाबा, शेर को कब्जे में कर लिया, कितना मजा आया। वैम्पायर को
आंटी आंटी आप छोड़ दीजिए, जो भी करना है मैं करूंगा, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, मैं हूँ ना। सच में आज इतनी मेहनत की है तुमने। लगता है आज बहुत कुछ बनाया। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, सब जॉय ने बनाया है। जॉय? हाय अंकल, जॉय, जॉय, जॉय। अंकल एक्चुअली मैं और करण यूएसए में साथ में पढ़ते थे। We are really good friends here. अभी भी हूँ और फ्यूचर में भी रहूँगा। Oh, nice to meet you, young man. Huh? Same here, sir. Sir, मुझे मतलब मुझे 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 अभी समझ में आ रहा है करण इतना handsome क्यों है। और आंटी मैं जो कह रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, खाना ठंडा हो जाएगा, बैठो तुम लोग। चलो आंटी, आज आप सबकी छुट्टी। अंकल अंकल आप बैठिए, आप बैठिए, आप प्लीज प्लीज बैठिए। अरे जॉय मैं बाद में खा लूंगी बेटा, तुम बैठो मैं सर्व कर देती हूं। मैं हूं ना ये लड़का भी ना। अच्छा ठीक, मैं सर्व करूंगा, आप सब बैठिए बैठिए। अरे राधा रानी, कम 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 कम, अरे कम। जॉय, आओ ना आओ ना आओ ना, अरे कम। सिट 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 सिट। जॉय क्या कर रही हो? राधिका बैठो। राधिका बैठो बैठो। अंकल वील स्टार्ट अप विद यू। ओके, बस 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 ये दूं? नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है खाने में, ये बहुत अच्छा है। अरे नहीं जॉय बस हो गया। आंटी बस 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 ये दूं? नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है खाने में, ये बहुत अरे अच्छा। और नहीं जॉय बस हो गया। नाइस एंड टेस्टी। जब आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो वैम्पायर की तरह आपके सर पर दो सींग निकल आते हैं, दो दांत भी निकल आते हैं, फिर खून चूसने के लिए आप अपने शिकार की तरफ भागते हैं। पहले मॉल में गए, वहाँ छोटी मोटी शॉपिंग की थी, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हाँ, हमने स्नैक्स खाए। राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, लेकिन आंटी एक प्रॉब्लम है, ये ना मुझे फ्रेंड जोन से निकलने ही नहीं दे रही है। मतलब मैं तो ऑलरेडी एक कदम बढ़ा चुका हूँ, एक मौका मिलने से मैं हाँ कर दूंगा, लेकिन अच्छा करण तुम्हारे लिए समोसा, गर्मा गर्म समोसा, ये लो एक और दो। नहीं बस थैंक यू। अरे एक और लो। अच्छा राधिका, अब जॉय मैं तो समोसा आई मीन पता है तुम ये सब नहीं खाती, इट्स ऑयली। ठीक है मुझे पता है तुम क्या खाती हो। क्या खाती हो जॉय? क्या कर रहा है ये लड़का? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ओट्स ऑमलेट। तुम्हें ये सब बनाना आता है? अरे मुझे सब आता, यूएसए में मैं और करण हम सब कुछ बनाते थे। क्यों करण सही कहा ना? हाँ थैंक यू सो मच। अरे करण प्लीज हैव इट, अंकल आंटी प्लीज स्टार्ट कीजिए। जॉय सुनो तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। मैं तो प्लीज अगर अच्छा नहीं बना तो भी अच्छा बोलना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे खाइए ना, क्यों अभी खाइए, लेट्स स्टार्ट। करण खाओ। बहुत अच्छा बना है। अरे सच कह रहा हूँ बहुत अच्छा बना है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैं चाय लाता हूँ, गर्मा गर्म चाय, चाय भी रेडी। यस संभल कर यहाँ रख, ये आ गया। अंकल चाय में चीनी? नहीं नो शुगर। ओके दैट्स ग्रेट, इसीलिए आप इतने हैंडसम और यंग लगते हैं। आंटी शुगर आधा चम्मच, हाफ चम्मच। ओके
हाफ चम्मच। राधिका तो चाय पीती नहीं। ए? तुमसे किसने कहा कि मैं चाय नहीं पीती? मुझे पता है तुम चाय नहीं पीती क्योंकि तुम काली हो जाओगी। अरे मैं चाय पीती हूँ जॉय। मैंने तो तुम्हें कभी चाय पीते हुए देखा नहीं। जॉय राधिका के बारे में इतना कुछ जानता है। करण नहीं मेरे लिए ग्रीन टी। ग्रीन टी? सॉरी ब्रो, ये ऑप्शन तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। सो देयर इज नो ग्रीन टी फॉर यू आंटी। अच्छा, मुझे एक समोसा मिल सकता है? हाँ सर, जरूर। हाँ राधिका, जरा वो प्लेट लेना। ओके, अच्छा मैं एक पकौड़ा खाऊंगा। मैं अपने हाथों से दे दूं? गरम पकौड़ा तुम बैठ के खा लो ना। नहीं ठीक है ठीक है। अरे और लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे गैस की। चाय नहीं पियोगे? चाय नहीं पियूंगा। करण और एक समोसा लो ना। नहीं ठीक है। अरे करण अच्छा बना है भाई, मैंने बनाया है। वैसे मैं तो सब कुछ खाता था, अभी क्यों नहीं खा रहा है? अच्छा दे दे फिर। तो जॉय, व्हाट आर योर प्लान्स? आई मीन अब तुम क्या करना चाहते हो? अंकल अभी मैं एक बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोच रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। ओह दैट्स ग्रेट। सुनो, तुम्हें जब भी टाइम मिले तो तुम यहाँ पर चले आना, समझ गए? अगर कोई बिजनेस आइडिया दिमाग में हो तो मेरे साथ शेयर करना। वी कैन शेयर आवर थॉट्स। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर अंकल मैं हमेशा यहाँ आता रहा तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि इस घर में करण से ज्यादा मैं दिख रहा हूँ? आई मीन करण तो घर पे रहता ही नहीं, उसका ऑफिस ही उसका घर है। तुम और करण हमारे लिए एक जैसे हो। करण तो घर पर कम रहता है, हमेशा ऑफिस में बिजी रहता है ये। अगर तुम आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। करण देखना, करण अब से तेरे हिस्से का प्यार मुझे भी मिलेगा। केयरफुल हाँ। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं है? श्योर, गुड। राधिका चलो खाओ खाओ खाओ।